फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं मिलवाती हूँ आपको पहले बैलू से। ये रहा बैलू। ओए क्या कर रहे हैं बैलू, क्या कर रहे हैं? तो मुझे फ्रेंड किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, क्या करें। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने टर्टल बेबीज को क्या देते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी हैं और 2-3 महीने के अंदर उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने बच्चों की तरफ और लाइट को कर लेते हैं ऑन, लाइट कर देते हैं ऑन, और इसके पीछे का मैं स्विच ऑन करती हूँ ज़रा। तो ये आप देख सकते हैं मेरी फ़िश, और ये मैंने इसके अंदर 2 फिश ऐड की हैं, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। एक तो ये वाली है, ये वाली, दिस वन इधर गई, और एक है ये वाली। ये 2 फिश मैंने ऐड की हैं, और ये मिल्की वेल फिश, और इसमें कुछ एंजल्स है। इसका कलर आपको ग्रीन लग रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मिल्की को ईचिंग हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे ये ईचिंग हो गई थी, तो इसके अंदर मेडिसिन डालनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि गर्मी में इनको ईचिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इसके अंदर मैंने ईचिंग वाली मेडिसिन डाली थी, और है इसके अंदर, अगर आप देख पाएंगे तो इसके अंदर घुस के रहती है, आपको दिख रही होगी हल्की हिलती हिलती हुई, ये ब्लैक घोस्ट शिप के अंदर है ब्लैक घोस्ट। हो सका अगर बाहर निकलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी उसको, आपको उसका मुंह दिखाई दे रहा होगा साइड से। चलिए तो मिलाती हूँ मैं आपको अपने टर्टल बेबीज से। ये देखिए, ये हो चुके हैं बड़े, और ये मेरे से मिलने, जब मैं आती हूँ उनके पास एकदम से काफ़ी हो जाते हैं। और अब मैंने इनके डब्बे को हटा दिया है, मैं डब्बे में इनको अब नहीं रखती हूँ, सिर्फ ढक। बैलू हटो, बैलू हट जाओ बेटा, हट जाओ, किट्टू बिट्टू को मिलने दो। और फ्रेंड्स मैंने लगाया है ये DIY कह सकते हैं फ़िल्टर, क्योंकि आप इसके अंदर जो है ना जो इंटरनल फिल्टर होता है बिल्कुल ना लगाए। बैलू हटो, एक तो ये बैलू दीदी बिल्कुल कुछ नहीं दे। बैलू हट जाओ बेटा, हटो हटो, मामा को हाथ, हट जाओ जल्दी, हट जाओ, हट जाओ, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है उसके अंदर, रोक दो, छोड़ दो। ये बॉक्स मैंने अभी भी रखना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी भी इनको धूप दिखाने के लिए इस बॉक्स का यूज़ करती हूँ। चलो हटो। तो ये देखिए किट्टू बिट्टू, और बहुत ज़्यादा शैतान, अब ये मेरे आते ही जो है ना हो जाएंगे शुरू। तो मैं इनको क्या फीड देती हूँ मैं आपको इसके बारे में अभी जानकारी दूंगी। आप देख सकते हो ये काफ़ी हेल्दी हैं, और ये मेरे पास आए थे 18 मार्च को, और जब ये आए थे तो मे बी ये 1 मंथ के होंगे, मैं इनकी पिक्चर्स डाल दूंगी। क्वाइन के बराबर थे, बिल्कुल इतने छोटे छोटे थे, और अभी हो चुके हैं इतने बड़े। मैं इनको अभी निकालती हूँ टब के अंदर, मैंने इनके लिए लाया है एक टब, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बड़े हो गए हैं तो घूमने के लिए। तो चलिए इनके अंदर निकालती हूँ और इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं। टब के अंदर देखिए कितने हेल्दी हो गए हैं, और अभी इसमें थोड़ा मैं पानी ऐड करूँगी। और ये देख सकते हैं आप, तो जैसा कि मेरे को कमेंट आया था कि आप इनको क्या फीड खिलाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनको क्या फीड खिलाती हूँ। फ्रेंड्स एक तो आप कभी भी अपने फ्रेंड पेट्स को ना एक जैसा फूड ना दें, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फूड दें, वरना उनको खाने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि एक शॉप पर हम फूड लेने गए हैं और वो फूड नहीं मिला, तो आपका पेट फूड नहीं लेता है, तो उसमें ऐसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप हमेशा अपने पेट को 2 या 3 तरह के फीड ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप एक ही फीड देंगे और बाई चांस किसी वजह से वो फीड नहीं मिलती है तो पेट खाता नहीं। तो मैं अपने पेट को जो फीड देती हूँ मैं दिखाती हूँ, ये है श्रिम्प। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद परचेज करती हूँ अपने। तो श्रिम्प देती हूँ मैं, ये हार्ड फिश को भी दी जाते हैं, इससे इनके कलर वगैरह अच्छा आता है, प्लस उसमें हाई प्रोटीन और अन्य मिनरल्स विटामिन जो इन लोगों को रिक्वायरमेंट होता है वो होती है। सेकेंड फीड देती हूँ मैं इनको प्रोरिच, हालाँकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि डिस्कवरी करके भी एक फीड आती है, पर वो मैंने भी यूज़ नहीं किया। ये हाई प्रोटीन फीड है जो मैं इनको देती हूँ, ये वाली मैं ज़्यादा देती हूँ। तीसरी फीड मैं इनको देती हूँ डॉक्टर फिश, जो है मल्टी विटामिन की तरह काम करती है। इसमें आप देखते हैं विटामिन ए,
विटामिन ए सी D3 और ई, क्योंकि टर्टल को जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आइस की होती है, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इसलिए मैं इनको ये देती हूँ डॉक्टर फिश की टर्टल विटामिन। तो ये तीन तरह के फीड्स मैं इनको अभी दे रही हूँ, और आगे अगर मैं कोई फीड इनके लिए लेकर आऊँगी तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड्स, आपने इनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार आप इन्हें धूप ज़रूर दिखाएं 10 से 15 मिनट की, और एक अच्छी फीड दें तो ये एकदम हैप्पीली ग्रो होते हैं। ये मेरे पास मेरे ख्याल से 3 महीने के हो चुके हैं, और 3 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं ये काफ़ी हेल्दी हैं, और बहुत ज़्यादा शैतान भी हैं, बहुत शैतान है, ये देख सकते हैं आप नज़दीक से। ये है किट्टू, ये है बिट्टू, और इनमें मेल फीमेल कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक आइडिया से कह सकती हूँ कि जैसे ये दोनों सेम एज के हैं, आप इसको देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, और ये जो है इसकी बॉडी की शेप थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल राउंड है और थोड़ी सी छोटी है इसके मुकाबले, तो मे बी ये मेल फीमेल हो और मैंने नया सही नाम दिया हो। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दीजिएगा। अब मैंने इनको हल्का सा धनिया वगैरह देना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत बीच में खा लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे और मैं आपको बताऊँगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल बच्चे जो है ना बहुत इजीली अवेलेबल हैं, टर्टल या और सभी पैट्स बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उनको तभी लेकर आएँ जब उनको अच्छे से कैरी कर सकें। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनको एक्वेरियम में रखें, हम और उनको किस तरीके से रख सकते हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी, बताऊँगी एक जानकारी के लिए। और ये देखें बैलू को,